इंटरनेट की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत सारी अमेजिंग वेबसाइट से भरी हुई है, पर खोजने से ही ये नजर में आती है, नहीं तो ये अनजान रहता है। तो मैंने आप लोगों के लिए आज फिर से बहुत सारे अमेजिंग वेबसाइट्स को ढूंढ निकाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये पांचों वेबसाइट्स बहुत खास है और आपको ये जरूर पसंद आएगा। नंबर 5, मेक एनी फ्लैग। ये है ऑनलाइन फ्लैग वेवर। इस पेज को जब आप खोलोगे तब आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा झंडा दिखेगा। ये एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन है और ये झंडा एकदम असली लगता है। इसकी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है कि लगता है ये असली दुनिया का एक झंडा है जो हवा के चलते लहरा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। ये जो हवा में वेव हो रही है, यहाँ पे आप जिस इमेज को चाहो उस इमेज को डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फैक्टेक के लोगों की URL को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए, फैक्टेक का झंडा लहराने लगा। कितना अमेजिंग है ये। यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं विंड यानी हवा को ऑफ कर दूं तो हवा सिंपली बंद हो जाएगी। मैं इसे वापस ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे साइड का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर चाहे इस फ्लैग को उधर कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक दूसरे सांप की इमेज की लिंक को पेस्ट कर देता हूँ तो ये देखिए, वो इमेज यहाँ पे भी आ गया। जिस इमेज को चाहो उस इमेज को डाल सकते हो। चाहो तो आप अपनी इमेज को भी टेस्ट कर सकते हो। इसे ट्राई जरूर करना। नंबर 4, डांसिंग रोबोट। ये है रोबो बूगी। इस साइट को खोलने के बाद आपके पास रोबोट्स को चूज करने का ऑप्शन आएगा। इन रोबोट्स में से एक रोबोट को आपको सेलेक्ट करना है। मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। ये है इस रोबोट का डांस। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है और ये रोबोट डांस कर रहा है। और इस साइट की अच्छी बात ये है कि इस रोबोट का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जैसे मान लीजिए इस रोबोट के डांस में आप चाहते हो कि इस रोबोट के चेहरे की ऊपर नीचे की मूवमेंट और ज्यादा हो, तो इसके लिए मैं इस मूवमेंट टैब को फुल कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये रोबोट अपने आप हेड को ऊपर नीचे करने लगा। अगर मैं लेफ्ट और राइट मूवमेंट को फुल कर दूं, तो ये अपने चेहरे को ऊपर नीचे करने के साथ साथ दाएं और बाएं भी घुमा रहा है। अगर मैं इस रोबोट के लेफ्ट आर्म की मूवमेंट को कम कर दूं, तो देखिए अब स्लो हो गई। अगर मैं इसके एंगल को कम कर दूं, तो ये अपना हाथ ढीला छोड़ देगा। इसके हाथ के बाहरी हिस्से को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो ये अपने हाथ के आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा मूव करता है। अगर मैं दोनों हाथ के मूवमेंट को फुल कर दूं, तो ये दोनों हाथों को कितने मस्त तरीके से वेव करता है। अब मैं सारे पैरामीटर्स को फुल कर देता हूँ, राइट आर्म को भी फुल और लेफ्ट आर्म को भी फुल। और इसके उल्टा अगर मैं सबको लो कर दूं, तो ये देखिए, ये अब सिर्फ अपने पैर को हिला रहा है क्योंकि बाकी सब पार्ट्स को मैंने ऑफ कर दिया। एक काम करता हूँ, इसके फेस के मूवमेंट को ऑन कर देता हूँ, अप डाउन को भी ऑन कर देता हूँ और आर्म्स को भी। अब देखिए इसका डांस। नंबर 3, वर्चुअल अरेंजमेंट। ये एक वर्चुअल बोर्ड है और ये भी कंप्यूटर जनरेटेड है। इसे आप जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में घुमा सकते हो। और इस बोर्ड पे जाने के बाद जब आप अपने माउस से राइट क्लिक करते हो, तब यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स आ जाते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स को ला देता हूँ। ओह, ये तो अभी ही गिर गया। आप ये नोटिस करना कि ये असली जिंदगी की गुरुत्वाकर्षण के नियमों को फॉलो करता है। जैसे इतने सारे ब्लॉक्स को लाने के बाद अगर मैं एक ब्लॉक को थोड़ा सा हिला दूं, तो देखिए सारी की सारी ब्लॉक्स गिर गई। इस पर बस एक लेफ्ट क्लिक करने के बाद ही ये ब्लॉक्स गिर जाती है। तू भी गिर जा भाई। मैं यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए इसके गिरने का मजा, मतलब कितना अमेजिंग है। आप खुद अपने हाथों से इस एनिमेशन को क्रिएट करते हो और रियल वर्ल्ड की ग्रेविटी भी मौजूद है। मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, बस एक को गिराऊंगा और देखिए कमाल। इसमें एक गैलरी भी मौजूद है। इसमें दुनिया भर से कई लोगों ने अपने सिमुलेशन को बना के सेव करके रखा है। इसे मैं इस सिमुलेशन को सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए गिरने का मजा।
नंबर टू, रिवॉल्विंग गूगल। ये है गूगल का भाई, रिवॉल्विंग गूगल। इस पेज पे हमारा गूगल ही मौजूद है, पर ये उसका दूसरा वर्जन है जो घूमता रहता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ शो के लिए ही नहीं, ये काम भी करता है। जैसे मैं यहाँ पे न्यूज लिख देता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि नीचे सजेशंस भी आ रही है। अगर यहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो तो रिजल्ट्स भी घूमते हुए डिस्प्ले होती है आपको। और अगर आप किसी रिजल्ट पे क्लिक करते हो तब उसके बाद जो पेज खुलता है, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का हो, वो पेज भी घूमने लगता है। और घूमते हुए आप इसे ब्राउज भी कर सकते हो। इसे आप किसी के साथ प्रैंक करने के लिए यूज कर सकते हो। कोई भी इंसान जब इसे पहली बार देखेगा तो वो सोचेगा कि आखिर ये गूगल का पेज घूम कैसे रहा है। और ये है शेकिंग गूगल। ये भी गूगल का एक इंटरेस्टिंग वर्जन है। वो घूम रहा था और ये शेक हो रहा है। बस यही दोनों में फर्क। नंबर वन, यू आर गेटिंग ओल्ड। ये है यू आर गेटिंग ओल्ड। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना। मैं ये मान लेता हूँ कि आप 18 साल के हो और आपका जन्म 1 जनवरी 1999 में हुआ था। एंटर करने के बाद ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। जैसे आप ठीक इतने साल, इतने महीने और इतने दिन ओल्ड हो। और अगर दिन को काउंट करें तो आप 6676 दिन ओल्ड हो। जब से आपने जन्म लिया है तब से आपका दिल इतनी बार बीट हो चुका है। जब से आप जन्म लिए हो तब से इतनी बार आप सांस ले चुके हो। जब आपने जन्म लिया था तब टोटल इतने इंसान इस धरती पे मौजूद थे। और इस जगह पे आप अभी की रियल टाइम वर्ल्ड पॉपुलेशन को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कितने बच्चे हर सेकंड जन्म ले रहे हैं इस धरती पे। जब से आपने जन्म लिया है तब से धरती इतनी डिस्टेंस तक सूरज के चारों ओर चक्कर लगाई है। और रियल टाइम में कितनी स्पीड से चक्कर लगा रही है उसे भी आप देख सकते हो। और सूरज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर कितने किलोमीटर तक लगा चुका है ये आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जब से आपने जन्म लिया है तब से इतने किलोमीटर तक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी ने ट्रेवल किया है। जब आपने जन्म लिया था और आप एक छोटे बच्चे थे, एक इन्फेंट थे, तब कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी उसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब आप थोड़े बड़े हुए उस समय कौन कौन सी घटना हुई थी वो यहाँ पे मौजूद है। और टीनेजर की समय की घटना यहाँ पे है। इस वेबसाइट में जाके आप अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ को डाल के इस इन्फॉर्मेशन को जरूर देखना। इन वेबसाइट्स में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना ताकि नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।